जल्दी आइए, मौसम थोड़ी जल्दी आइए, जल्दी आइए सब लोग, नाव छोड़ के जल्दी आइए। अरे चलो उठो, क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, अरे क्या हुआ? अरे हमारे डांसी गांव के भाग्य खुल गए। भाग खुल गए कैसे? अरे शिवाजी राजे और जीजा माता जी यहाँ आ रहे हैं। ये क्या है शिवंता, तू सचमुच शिवाजी राजे हमारे गांव आ रहे हैं? हमें ज्यादा बोलने की बोलने पर बोलना पड़ता है कि मैं सच कह रही हूँ। अरे तो देख क्या रहे हो, जाओ जाके उनके स्वागत की तैयारी करो, जाओ चलो 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 चलो। पापा पापा, शिवाजी राजे और जीजा माता जी स्वयं यहाँ आ रहे हैं। जीजा माता और शिवाजी राजे हमारे गांव आ रहे हैं। हाँ मौसी, शिवाजी राजे और जीजा माता जी कहाँ आ रहे आप ये क्या कर रही हैं? माँ बेटे के पैर नहीं छूती, पैर तो हमें आपके छूने चाहिए। जुग जुग जियो माझा राजा, जुग जुग जियो। हम यहाँ आपका सुख दुख बांटने आए हैं, हम सब एक परिवार की तरह हैं। अगर परिवार का एक सदस्य दुखी हो तो क्या दूसरा सुखी रह सकता है? इसलिए हम सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। पर मातोश्री, हम गरीब निर्धन लोग किस तरह एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं? देखिए, आप सब ये जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सब औरतें अपने हाथों से अपना अनाज पीसती हैं,
अगर आप रोज एक मुट्ठी भर अनाज बचाएं, तो कोई भूखा नहीं रहेगा। आज के बाद हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सब एक एक मुद्रा जमा करेंगे और हर रोज एक मुट्ठी अनाज जमा करेंगे। इससे मुद्राओं की भी बचत होगी और अनाज की भी। इस तरह से अन्न और धन से किसी मजबूर की सहायता की जा सकती है। फिर कोई साहूकार से ऋण क्यों लेगा? हम तीनों की ओर से 3 सेर अनाज और 3 मुद्राएं जमा हो गई है। अब आप सब भी 1 मुट्ठी अनाज और 1-1 मुद्रा देकर सहयोग करें। अगर कोई सहयोग करने में असमर्थ है तो उनकी ओर से हम देंगे। सुनो जी, तुम इसी गांव के हो? जी नहीं राजे। फिर यहां क्यों आए हो? वो शिवंता को हमने अभी अभी शिवंता को रोते हुए देखा। उनके हाथ में मंगलसूत्र भी था। रांझे गांव के वासियों, ये अन्न और मुद्राएं उसे दी जाएंगी जिसे इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रांझे गांव को हमसे अधिक आप जानते हैं। अब आप ही बताइए, ये तय कीजिए किसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तारा काकी को? नहीं नहीं, मुझे नहीं। काकी को बहुत समय से तीर्थ यात्रा जाना है। फिर भी मुझे नहीं। अगर काकी को नहीं तो फिर अंतोजी नाना को। उनकी 4 बेटियां है और सभी का विवाह होना है, है ना बदे की बात? या फिर शिवंता को? इस समय धन की सबसे अधिक आवश्यकता शिवंता को है।
धन ना होने के कारण वो अपने ससुराल नहीं जा पा रही है। ससुराल? परंतु शेवंता ने तो बताया कि वो कुआरी है, उसका विवाह नहीं हुआ। शेवंता विवाहित है मां साहब। धन के अभाव में अपने ससुराल इस डर से नहीं जाना चाह रही है कि कहीं इसकी बहन की तरह इसकी भी दुर्दशा ना हो। यह है शिवंता के पति गड़ो जी। ये दोनों मिलकर अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करना चाहते हैं, परंतु धन की कमी के कारण विवश हैं। क्यों शिवंता, हम सच कह रहे हैं ना? अब साक्षात भगवान है, बिना बताए ही मन की बात जान लेते हैं। धन्य है राजे, धन्य है। ये सारा धन शेवंता को दे दिया जाए। शिवंता, मंगलसूत्र छिपाने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है। शेवंता, तू मुझे भेजने की हट किए बैठी थी ना कि मैं गांव के बाहर जाऊं तीर्थ यात्रा पे, याद है तुझे मैंने क्या कहा था? तेरे विदाई के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। शेवंता, सबसे पहले तो मैं इस गांव से तुम्हारी विदाई कराऊंगा, बाद में मेरी बेटियों की। काका, आप चिंता मत कीजिए, आज से आप सबके दुख दर्द हमारे हैं। शिवाजी राजे भोसले की जय! जीजा माता की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय! जीजा माता की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय! जीजा माता की जय! शिवाजी राजे भोसले की जय!
क्षमा, कहां की क्षमा? पाटिल कर वसूलने में अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, तुम क्या हो? अगर तुमने 5 दिन में हमारा उधार नहीं चुकाया तो तुम्हारे खेत हमारे हो जाएंगे। दया कीजिए मालिक, हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ? अरे हम तो न्याय कर रहे हैं, जो कह दिया सो कह दिया। फिर कोई बुरा समाचार लेकर आया होगा, पता क्या बात है? जीजा माता और शिवाजी राजे गांव में आए हुए हैं, और वो गांव वालों को ऐसी सीख दे रहे हैं कि आज के बाद ना तो कोई आपके आगे ऋण के लिए हाथ फैलाएगा और ना ही सर झुकाएगा। और तो और मालिक, वर्षों के बाद गांव में एक गौना भी होने जा रहा है। गाओ, 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 गाओ। गौना। अब्बा जान, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शाहजी राजे और शिवाजी राजे के आजादी वाले मंसूबे में हम लोग क्यों उनका साथ दे रहे हैं, इसकी खबर सुल्तान हजरत को पहुंच गई है। हमने और संभाजी ने इन घोड़ों और असलहों को शिवाजी तक पुणे कैसे पहुंचाया, ये सुल्तान आदिल शाह को मालूम हो गया है। जहां तक हमें इल्म है, हमने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था, हमने पूरी होशियारी बरती है। फिर ऐसे कैसे कोई सुराग उनके हाथ लग गया? खान, आपके साजिश का पर्दाफाश करने की तरकीब हमें मियां रहीम ने ही बताई थी। देखा, आपने खुद ही हमारे सामने अपना राज फाश कर दिया। आपके साहबजादे हमारे खिलाफ चंबाजी और शाहजी के साजिश में शामिल थे, क्या आप अब भी इस दलील और घिनौनी गद्दारी से इनकार करेंगे? जवाब दीजिए। वाह खुदा, हम इसी वक्त आपकी गर्दन अलग कर सकते हैं, लेकिन आदिल शाह इतना कमजोर नहीं है। बस आपके पास सिर्फ कल तक का वक्त है। अब ये फैसला आपको लेना है, क्या आप अपने औलाद की जिंदगी चाहते हैं या फिर शाहजी के बेटे शंभाजी की।
शिवाजी, आदिल शाह मौत बन के तुम्हारे करीब आ रहा है, बहुत करीब।